हाय एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के, जिसको हम क्राइस्कोपी भी बोलते हैं। और हमने जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो लास्ट वीडियो में आपको करा दिया था, उसके न्यूमेरिकल भी हो गए थे। ठीक है, आज जो है हम इसके बारे में बात करेंगे और न्यूमेरिकल के बारे में भी शायद इसी वीडियो में बात करें, अगर लंबी ना हुई तो। ठीक है, नहीं तो हम न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियो बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या क्राइस्कोपी, ये समझने से पहले हम पहले समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट समझा था पहले, क्या होता है यहाँ पे हम फ्रीजिंग पॉइंट समझेंगे। देखिए, सिंपली क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जमता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है अच्छी सूट करती है डेफिनेशन, ये बड़े बच्चों के लिए सूट नहीं करती है। 12th में है, वे क्या कहेंगे, वे कहेंगे कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई सॉलिड फॉर्म है ना, किसी एक सब्सटेंस की सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम में रहेंगी, वो क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और ये मत भूलिए कि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर से अलग नहीं होगी, वो वेपर प्रेशर से जरूर रिलेट करेगी। ठीक है, वो जरूर रिलेट करेगी वेपर प्रेशर से। देख, सबसे पहले देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ ए सबस्टांस आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर क्या होगा, सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर और लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर बराबर होगा। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स हैव इक्वल वेपर प्रेशर, इक्वल वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये देखा गया है, ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम में होंगे उनके वेपर प्रेशर बराबर होंगे, क्या हो गया आपके फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। और ये देखा गया है कि किसी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है डिप्रेशन कम होना, तो पता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है किसी सॉल्वेंट से, किसी प्योर सॉल्वेंट से। ये क्या है, ये कमी क्या है, ये कमी है आपकी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अभी निकालते कैसे है देखिए जरा। सपोज करो मेरे पास जो है किसी सॉल्वेंट का, हम वाटर की बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। अब मैंने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दिया, ठीक है, तो उसके जो बॉइलिंग पॉइंट याद आ रहा है, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था उसमें 2 डिग्री कमी आ गई, मैंने कह दिया उसका जो है 271 केल्विन हो गया है ना। अब जो बॉइलिंग एलिवेशन सॉरी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका 271 हो गया, तो अब इसमें जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, बार बार बॉइलिंग याद आ रहा है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा आपका, 2 केल्विन। ये क्या बोल देंगे इसको हम, डेल टी एफ। ठीक है, तो डेल टी एफ जो है, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सोलवेंट के और सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस के इक्वल होगा। या फिर मैं कहूँ, मैं सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटा दूंगा। यहाँ पे देखो जरा, तो मेरे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब डेल टी एफ वो होता है, देखिए टी एफ सोलवेंट, मैं ऐसे लिखूंगा वेयर टी एफ वगैरह है ना, टी एफ वन कह दो, टी एफ नॉट कह दो, मैं सीधा से लिख रहा हूँ टी एफ सोलवेंट, सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है भाई, सीधा सीधा लिखूंगा कि टी एफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब हम जानते हैं कि सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी क्यों आती है,
और एक बात जान लो अच्छे से कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर में कहूँ या फिर और कोई सब्सटेंस कह दूँ उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन जो डिप्रेशन है जितना हम सोल्यूट मिलाएंगे उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगी, जितना मिलाएंगे उस पर डिपेंड करेगी। मतलब जितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे उतना ही डिप्रेशन आता चला जाएगा। मतलब ध्यान दो, ऑप्शन में अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है नहीं है, नहीं है, पूछता है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखते हैं कि सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कैसे आती है। देखो हम पढ़ चुके पहले भी, मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने पर वेपर प्रेशर भी घटता है। और हमें पहले से ही पता है, और ये हमें पहले से ही पता है कि अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है सोलवेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सोलवेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है, ठीक है। तो अभी जो फ्रीज हो रहा ना सॉल्यूशन या कोई भी लिक्विड, वो कम टेम्परेचर पर होगा ना, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट असल में है क्या? फ्रीजिंग पॉइंट असल में वो एक वो टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब वेपर प्रेशर ही कम हो रहा तो कम टेम्परेचर पे ही फ्रीज हो जाएगा कोई भी लिक्विड, ठीक है। तो हम इसलिए कहते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में। बढ़ता है टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, घटता है टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर भी घटेगा। हमने ये सब डिस्कशन दो तीन बार कर चुके, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में भी किया था, ठीक है। तो अब एक समरी देखते हैं फटाफट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन आपके सामने है, ठीक है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। यही कमी क्या है आपकी? डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है और वो जल्द ही फ्रीज होने लगता है, इसलिए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक है। एक बात है इसके बारे में जो हम ग्राफ से समझेंगे, हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी ग्राफ बनाया था और हम यहाँ भी ग्राफ से ही समझेंगे, उसके बिना समझना बहुत मुश्किल होगा। देखिए मैं डेरिवेशन आपको डायरेक्ट दे सकता हूँ, फॉर्मूला भी डायरेक्ट दे सकता हूँ, लेकिन मैं दूंगा नहीं, मैं ड्राइव करेंगे हम उसको, ठीक है। और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा उसको। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमने एक्सिस पर क्या लिया है, इस पर वेपर प्रेशर लिया है और इस तरफ लिया है हमने टेम्परेचर, इस तरफ लिया है हमने टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है, और वेपर प्रेशर इधर। एक बात देखिए यहां पर, ये जो पॉइंट है इसको मैं कहूंगा TF, ये जो पॉइंट है यहां पर ये क्या है आपका, ये फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे हम आपका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट लेंगे हम TF1, ये वाला पॉइंट लेंगे TF2। देखिए इसको असल में क्या है, मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, मैंने उसमें क्या मिला दिया, कोई सोल्यूट मिला दिया, सोल्यूट मिलाया कोई, तो उसका फ्रीजिंग उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई, टेम्परेचर घट रहा है इधर को, देखो बढ़ेगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई। तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट, ये सॉल्यूशन फर्स्ट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। हमने उसमें कोई और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में और भी कमी आई, तो हमने कहा अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट है TF2, है ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है TF2। ऐसे हमने वेपर प्रेशर लिया है और वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन का हमेशा घटता ही है, यहाँ पे क्या है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ मिलाया वो P1 हो गया, और मिलाया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और कम हो गया, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन देखेंगे, एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, देखिए मैं यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में कैसा होगा यहाँ पे,
पहले हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी और ए सी ई में, ये वाला ए बी डी और ए सी ई में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी ई, ओके यहां पे क्या होगा आपका बी डी अपॉन CE इज इक्वल टू AD अपॉन AE, AD अपॉन AE। थोड़ा पहले वाले से जो हुआ था उस तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन पहले मैंने ए प्रॉपर्टी लगा ली, पहले प्रॉपर्टी लगा ली ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए BD CE AD और AE ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे BD फाइंड आउट करना चाहूँ सॉल्यूशन एक के लिए, BD का मतलब है सॉल्यूशन एक के लिए, सॉल्यूशन एक के लिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो मैं क्या करूंगा प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से जो कमी आई है वो जो कम हुआ है जितना उसको माइनस कर दूंगा। तो फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैं कह दिया डेल टी एफ वन इज इक्वल टू टी एफ माइनस के टी एफ वन, मतलब ये चीज यहां पे देखिए हुई आपकी डेल टी एफ वन ठीक है। फॉर सॉल्यूशन टू मैंने इसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कह दिया डेल टी एफ टू। देखिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा है क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन टू, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन टू जो वन के लिए टू के लिए, ऐसे लिख रहा ठीक है। ये ऐसे सिंपलाइज किए हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। सुनो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए, दो के लिए। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए, एक के लिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा टी एफ माइनस के टी एफ टू, मतलब ये वाली चीज यहाँ पे यहां से यहां तक, ये कितना है आपका डेल टी एफ टू, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन टू ठीक है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे बी डी मिल गया और सी ई मिल गया। अब ए डी क्या है मेरे पास, देखिए एडी क्या होगा आपका भाई, एडी यहां से यहां तक है ना ये वाला, एडी क्या होगा आपका पी नॉट माइनस के पी वन, और ए क्या होगा आपका पी नॉट माइनस के पी टू, रखो इनको जरा। अच्छा मैं डायरेक्ट यहीं पर रख रहा हूँ इनको, है ना, मैं डायरेक्ट यहीं पर रख रहा हूँ इनको ओके। तो पहले यहां पे बी डी की वैल्यू कितनी होगी आपकी टी एफ माइनस के टी एफ वन, सी की वैल्यू रखो जरा कितनी होगी टी एफ माइनस के टी एफ टू, एडी की वैल्यू रखो कितनी होगी आपकी पी नॉट माइनस के पी वन, और पी ए की वैल्यू पी नॉट माइनस के पी टू। इसको क्या बोल रहे हैं हम डेल टी एफ वन अपॉन डेल टी एफ टू इज इक्वल टू, ये क्या कह दिया हमने, ये डेल पी कह दे एक के लिए है तो एक कह दिया, इसको क्या कह दिया डेल पी है क्या वैसे ही लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, स्टार्टिंग में बताया था पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या थी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वही बताया था ठीक है। तो हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि ये, अच्छा ये क्या है डेल टी एफ, डेल टी एफ क्या है, डेल टी एफ है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है, इज प्रपोर्शनल टू लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल पी की प्रपोर्शनल कह दिया हमने, डेल टी एफ इज प्रपोर्शनल टू डेल पी ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, ये हो गया आपका राउल्ट्स लॉ, सबके याद होगा राउल्ट्स लॉ आपके याद होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या लिया था हमने, राउल्ट्स लॉ लिया था हमने पी नॉट माइनस के पी एस, ये क्या है यहाँ पे पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी एस क्या है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, और अब मुझे डब्ल्यू और एम की एम क्या है यहाँ पे ये बताना ही पड़ना, देखो स्मॉल है सोल्यूट के लिए और कैपिटल है सोलवेंट के लिए, सुनो मास ऑफ सोल्यूट मास मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोलवेंट मोलर मास ऑफ सोलवेंट ठीक है। उसको क्या लिखते हैं हम डेल पी, अरे भाई ऐसे लिखते हैं ना जैसे लिखा ठीक है, अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, इसको सही करके लिखो डब्ल्यू इंटू एम, कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखिएगा
मैं भी ट्राई कर रहा हूं एम और डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या कर क्या था हमने पहले, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, पी नोट इनटू एम यहां पे लिख लिया और डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। ध्यान दो ये क्या है आपका, ये तो है आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये क्या है आपका सॉल्वेंट का मोलर मास, और ये दोनों चीजें कांस्टेंट होती है। ये दोनों चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल पी जब प्रोपोर्शन होता है डेल टी एफ के, तो हम लिख सकते हैं इसके जगह डेल टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। ध्यान दो अगर मेरे पास यहाँ पर सोलवेंट का मास 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, तो ये चीज है क्या, ये है मोलालिटी। ये क्या है आपकी मोलालिटी, और हम कह देते हैं डेल टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मेरा इरादा था आपको डायरेक्ट बताऊं, ठीक है, लेकिन मैंने ड्राइव किया इसको। अच्छा सुनो, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेरिवेशन भी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो डेरिवेशन भी बिल्कुल वैसा ही है। वहां पे क्या था, हम बॉइलिंग पॉइंट ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे, ठीक है, इनटू मोलालिटी। ठीक है, देखिए काफी सारी बुक्स में जो मोलिटी है उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्मॉल एम को से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नहीं तो फिर उसको हमें एम डैश कहना पड़ता, हमने ऐसा नहीं किया। ओके इतनी बात समझ में आई, अब गैस कीजिए कि एफ क्या हो सकता है। अगर आपने के बी पढ़ा है वहां पे क्या था मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या होगा के एफ, यहाँ पे के एफ होगा मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जो के एफ होगा आपका, के एफ क्या होगा आपका बोलो, के एफ होगा आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। देखिए अब आ गया, ये यहां पे नहीं होगा, मुझे बोर्ड को रफ करना पड़ेगा, ये के एफ जो है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अच्छे से लिखते हैं, हमारे पास पता है हमें मोलिटी क्या होती है, मोलिटी क्या होती है W इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू, किसमें ग्राम में रखो जरा यहां पे, तो डेल टी एफ क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आपको याद रखना है W इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू। आई होप कि आपको इन सब सिंबल के मतलब पता होंगे, नहीं पता है मैं एक बार और बता दे रहा हूँ सुनो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्यूट, एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल और स्मॉल में, ठीक है। ओके हमने यहाँ पे वहां पे के बी को डिफाइन किया था, यहाँ पे हम के एफ को डिफाइन करेंगे, देखिए कैसे। देखो अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू अपॉन एम, ये मोल तो है, ध्यान रखो अगर डब्ल्यू अपॉन एम मैं बता रहा हूँ आपको, बोल रहा हूँ, तो ये मोल है, मैं 1 मोल ले लूँ है ना, और डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू जो है मैं इसको 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम ले लूँ, दोनों बात तो एक ही है भाई, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम, दोनों बात तो एक ही है, ठीक है। वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 1, इसकी क्या हो जाएगी, अगर 1000 रखूंगा कैंसिल हो जाएगा तब भी खत्म, और किलोग्राम रखूंगा 1000 तो यहाँ पे आता ही नहीं है ना, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो मेरे पास डेल टी एफ क्या होगा, डेल टी एफ मेरे पास हो जाएगा के एफ के। तो अब यहाँ पे के एफ डिफाइन कैसे होगा, यहाँ पे के एफ डिफाइन कैसे होगा, अब जाओ ठीक है सुनो ध्यान से, सुनो के एफ मतलब के मैं पूरा लिख रहा है इसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि डेल टी एफ, ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद एक चीज और थी, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ, वहां पे के भी 100 था, यहाँ पे सिंपल सी बात है के एफ 100, मैंने कहा ना एक जैसी है, आप एक वीडियो देखो ठीक है,
तो ये तो अपने आप समझ में आते चल जाएंगे। ठीक है, एक और था आपका, वो क्या था, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या बोल रहे थे हम उसको, KF100। क्या बोल रहे थे वहां पे, KB100, यहाँ पे हम बोलेंगे KF100, क्योंकि हम फ्रीजिंग से बात, फ्रीजिंग में बात कर रहे हैं। और KB100 क्या बताया था हमने आपको वहां पे, 10 गुना था किसका, KB का, यहाँ पे KF का। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या आप यहाँ पे KF की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल लो ना, KF की वैल्यू रख सकते हो, ध्यान दो KF की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दो, MW मल्टीप्लाई में जाएंगे और W और 1000 डिवाइड में चल जाएंगे, तो KF की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, डेल टी एफ इंटू एम इंटू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू 1000, ये ग्राम में ध्यान रखना, ये ग्राम में ही है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगी, तो KF100 आपका आ गया डेल टी एफ इंटू एम डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू 100। ये फिर सही तरीके से करके लिखो जैसे वो फॉर्मूला लिखा है, डेल टी एफ यहाँ जुगा तो रखो, डब्ल्यू डब्ल्यू 100 और KF इधर लिया हो, जरा क्या हो जाएगा आपका भाई, KF100 के साथ कौन आएगा, W और 100 अपॉन M और W कहाँ जाएंगे इसके, डिवाइड में जाएंगे, M और W कहाँ में, ग्राम में, ग्राम मत भूलना। ठीक है, डेल टी एफ यहाँ पे आ गया आपका, आ गया, फॉर्मूला उसके जैसा है नहीं है, ये और ये फॉर्मूला सेम है नहीं है, लेकिन एक अंतर है, यहाँ पे 100 है और वहां पे 1000 है, 100 है और 1000 है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। डेफिनेशन अगर दे सकते हो आप सीधे, हो KF100 इज इक्वल टू द डेल टी एफ व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसमें 1000 आता है और इसमें डिफाइन करोगे आप तो क्या आएगा आपका, 100 आता है। ठीक है, देखो हम थर्मोडायनेमिक रिलेशन से भी KF फाइंड आउट कर सकते हैं, और KF100 और KF की वैल्यू दोनों की ध्यान दो सॉल्वेंट पर ही डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट पर ही डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट चेंज हुआ तो KF की वैल्यू भी चेंज होगी, चाहे वो KF100 है चाहे KF है खाली। ठीक है, चलो थर्मोडायनेमिक रिलेशन से निकालते हैं, कैसे निकलेगा, मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। KF can be calculated from thermodynamic relation जो कि है आपका KF is equal to KF इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 LV। मेरे ख्याल से कुछ घंटी बजी होगी आपकी, है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही है, बस बी की जगह हमने यहाँ पे एफ लिखा है, और वहां पे लिखा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे टी एफ क्या लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एलवी क्या है, यहां पे एलवी आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा एक बात और, लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या है, पर ग्राम, यहां पे क्या होगी, पर ग्राम, इस बात को मत भूलिए, अगर वो पर मोल हो जाता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है यहां पे। ठीक है, अगर पर मोल होता है तो फॉर्मूला चेंज होता है, फॉर्मूला चेंज कैसा होता है ध्यान दो, एलवी इज इक्वल टू हमें क्या करना पड़ता है, डेल एच, देखिए वहां पे मैंने वीएवी लगाया था वेपराइजेशन के लिए, यहाँ पे मैं एफ लगा रहा हूँ केवल फ्यूजन के लिए, बोल लूंगा मैं इसको डेल एच ही, ठीक है, अपॉन एम, या एम क्या है, ये एम हो गया था आपका मोलर मास ऑफ सोलवेंट, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, अगर आप यूज कर रहे हो इस फॉर्मूले को एज पर मोल आप रखने की कोशिश कर रहे हो,
ठीक है, एलवी को ही, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे चेंज होगा, के एफ इज इक्वल टू आर जुगा तू टी एफ भी जुगा तू 1000 भी जुगा तू। ठीक है, एलवी की वैल्यू क्या होगी आपकी, एलवी की वैल्यू क्या होगी आपकी, नीचे क्या होगा डेल एच, ये एम अगर मैं नीचे लिखू तो ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, फॉर्मूला में कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये डेल एच क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मैं लिख रहा हूं इसको यहीं से, पर मोल ऑफ सोलवेंट, पर मोल ऑफ सोलवेंट, यहां भी ऊपर भी पर ग्राम ऑफ सोलवेंट ही है। ठीक है, मैं दोनों का एक साथ लिख दिया। आर की बात, आर शायद आपको पता होगा, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, गैस कांस्टेंट है, क्या वैल्यू होती है इसकी, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो आपका डेल एच या एलवी किस में निकल जाता है, जूल में निकल जाता है। अगर आप इसकी वैल्यू रख रहे हो 2 कैलोरी डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, तो क्या आएगी एच डेल एच या फिर एलवी की वैल्यू निकल के किस में आएगी, कैलोरीज में। ठीक है, देखिए हम इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखेंगे, और मैं आपको एक नोट यहाँ पे बता दूं कि जो मेथड्स है आपके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, ये तभी काम करते हैं, इनको हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जबकि सोल्यूशन डायल्यूट हो। ठीक है, जबकि सोल्यूशन डायल्यूट हो और सोल्यूट जो है डिसोसिएट ना होता हो और ना ही एसोसिएट होता हो, अगर ये इनमें से कोई सा भी होता है एसोसिएट या डिसोसिएट, ठीक है, तो एक हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर के हिसाब से न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं, ये फॉर्मूले फिर फेल हो जाते हैं, जो आपके सामने आने वाला फॉर्मूला ये फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फिलहाल हम इस वीडियो में इतने रखेंगे।